बीते रविवार अमृतसर के उमरा नंगल के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से सड़क किनारे खड़ी इंडिका और थ्री व्हीलर टेम्पो में सवार हो रहे एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 6 के करीब जख्मी हुए थे। मगर 5 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक पुलिस और प्रशासन की ओर से ना तो पुलिस द्वारा दोषी कार चालक को गिरफ्तार किया, ना ही गंभीर जख्मियों की प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई खबर ली है, ना पुलिस ने उनके बयान लिए हैं, जिससे पीड़ित बहुत ही हताश है। होशियारपुर से जाट टीवी न्यूज के लिए सुनील लाखा की रिपोर्ट। Thank you.